घर वालों का फोन आ चुका है, पापा के फोन से फोन आ रहा है। क्या कर सकते, घर जा नहीं सकते, गाड़ी में सुनना पड़ेगा यार। हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉग ऑफ व्लॉग्स। तो कैसे अपने भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया ही होंगे। सो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और सबसे मुश्किल काम था पापा के कमरे से पापा की गाड़ी की चाबी उठाना, जो कि मैंने कर लिया था सक्सेसफुली। और अभी मेरे साथ दो बंदे पीछे। भाई क्या टाइम हो रहा है? 4:32 टाइम हो रहा है और हम घर से भाग चुके हैं और अभी गाड़ी लेके यहाँ से निकलना है। और मज़ा आएगा ना आज कुर। हाँ भाई, मैंने घर में व्लॉग किया नहीं, अगर व्लॉग करता तो पकड़ा जाता। सो मैं जैसे कैसे करके ताला वाला मार के भाग आया हूँ। आगे का पता नहीं कहाँ जाना है क्या करना, बस घूमने के लिए निकल चुके हैं। मैं तो जैकेट भी नहीं पहनी, इन्होंने रात को ही निकाल के रख रखी थी, तो ये लेके आ गए दोनों। क्या कर रहे हो भाई दोनों पीछे बैठे? मौज कर रहे हैं हम तो। हाँ, नाच रहे हैं पीछे बैठ के। और कसम से मैं सिर्फ जेब, मेरे को पैसे भी नहीं थे, मैं सिर्फ 100 रुपए का नोट उठा के भाग आया। अब देखते 100 रुपए में क्या होता है। हम तीन बंदे हैं ना गोलू, कुछ हो जाएगा, हो जाएगा आराम से। सो अभी तो फिलहाल गाड़ी निकाल के मैं सोच रहा हूँ तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के वहाँ जाऊँ, वहाँ पे चाय वाय पीते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम है ना गोलू चाय पीना। सो चलो चलते हैं। मुझे नहीं पता मेरे पापा का रिएक्शन क्या रहने वाला है, घर वाले क्या सोचेंगे, कहाँ गए, क्या होगा, बट जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। सो चलो टाइम ना वेस्ट करते हैं, तिलक नगर की तरफ बढ़ते हैं। अभी आना था सुबह सुबह, हम वहाँ पहुँच चुके हैं भाई, 5 बजने वाले हो गए हैं ना। हाँ भाई, और अभी प्लान है चाय समोसों का, तो चले चलो पास में ही है, चल चलते आ जा। चल ले गोलू, 3 समोसे ले ले, 3 चाय ले ले भैया, 3 समोसे 3 चाय। और अभी अपने मलाई पंडी, मलाई चाप है ना गोलू, मैं भूल गया भैया, मलाई चाप डाले ना, ये मलाई चाप तैयार हो रहा है अपना, और चाय अपनी रेडी हो चुकी है, वो रखी। इस लड़के ने चाय की दुकान में काम शुरू कर दिया। हाँ जी बाबू जी, बाबू जी जी बाबू जी। सो ये देखो भाई, ऐसी सुबह के लिए मैं रोज अपने पापा की गाड़ी चोरी कर सकता हूँ आज, ऐसी है ना गोलू, सही कह रहा है ना, बट महंगा बहुत है। अपना तंदूरी चाप समोसा, अपनी चाय, चाय थोड़ी सी ठंडी है, थोड़ी सी, बट चलेगा, सुबह सुबह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को पी लेंगे। कसम से इस मॉर्निंग के लिए मैं रोज उठ सकता हूँ, बट दिक्कत यह है इस टाइम पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है इस जगह पे, मज़ा नहीं आएगा वो वाला जितना मज़ा आना चाहिए था। लगता मतलब वो है, ये फॉग लगता है, बट है स्मॉग। और ये तो भाई स्टोरी डालने से पहले मतलब खाते नहीं है ना गोलू, सही बात है ना। तो पहले पहले कौन खा रहा है? पहले मैं खाऊं भाई, रोज उठ जाएगा 4 बजे इसके लिए। हाँ भाई, भाई मैं तो उठ के आ गया, पहली बार उठाऊँ मैं 4 बजे, मज़ा आ गया भाई, है ना बोलो, बहुत मज़ा आ गया। भाई समोसा तो हमने खा लिया, अभी चाय पी रहा हूँ, चाय ठंडी होगी, मज़ा नहीं आ रहा, बोला ना ठंडी होगी यार। हाँ भाई, बड़ी मतलब ठंडी होगी, बड़ी बड़ी ठंडी होगी यार, मौसम भी तो ठंडा हो रखा है। हाँ भाई, इन्होंने तो जैकेट पहन रखी, मैंने जैकेट भी नहीं पहन रखी, बट अब ठंड नहीं लग रही, जैसे इन्वायरमेंट के साथ सेट हो गया थोड़ा सा। और अगर आप मेरे को बोलो कि चाय पिलाने के लिए मैं आपको कहीं भी ले जाऊँगा, तो मैं कहीं भी आ जाऊँगा। कौन कौन एग्री करता है भाई? हम सिर्फ चाय पीने वाले हैं, दूध मलाई लस्सी चाय के शौकीन हैं, और चाय जब मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, मीठी भी एकदम बढ़िया। और अभी जितने हमारे पॉकेट में 100 रुपये थे, 100 रुपये में हम इतना ही कुछ कर सकते थे, 10 रुपये बचे हैं ना वो, जो कि वापस ले लिए, नहीं लिए पैसे तो नहीं लिए, नहीं लिए मैंने वापस। तो अभी तो पहले गिलास वापस करते हैं, फिर मेरे हिसाब से इनका प्लान है कि मैं गिलास घर ले जाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ भाई रखूँगा गिलास। तो चलो फिर चलते हैं कहीं पे, देखते हैं क्या करना है, बहुत बड़ा व्लॉग करना है अभी तो फिलहाल, मुझे लगा यहीं पे मैं एंड कर दूंगा व्लॉग का, बट नहीं, घूमेंगे आज और, है ना। इसको रख दिए, ले लो और 10 रुपये वापस ले लियो।
सो देखो अभी सीन ऐसा है कि समोसे मोसे तो हमने खा लिए हैं और मजा आया ना गोलू कसम से, और बट थोड़ा सा लगा कि लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, जब बिल करने बैठे तब लगा कि हाँ यार 20 रुपए का ही तो समोसा और इतना तो चलता है। और अभी हम देखो दिक्कत अब ये होगी मैं घर जा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं घर गया तो घर वालों को पता लग जाएगा कि गाड़ी आई है और फिर मारकुटाई हो सकती है हमारे साथ। सो अभी हम ऐसे ही कहीं पे बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, बस गाने वाने सुन रहे थे, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर रहे थे। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार देखो 100 रुपए लेके आना मेरे लिए बहुत गलत डिसीजन था, कम से कम 200 लेके आना चाहिए ना गोलू। अभी पेटीएम वेटीएम में तो रखे हैं, बट दिक्कत ये है इस टाइम पे कोई ऐसा नहीं होता आउटलेट जो पेटीएम से पे करके पैसे वैसे वाला जुगाड़ दे दे। सो क्या कर सकते हैं अभी, क्या कर सकते हैं, घर जा नहीं सकते, गाड़ी में सोना पड़ेगा यार कम से कम 1-2 घंटे, ताकि जब घर वाले उठ जाए तब जाऊँ घर पे और बोलूंगी मैं जिम गया था, है ना ऐसा कुछ। अभी तो घर जा नहीं सकते। सो चलो मौज मस्ती मारते कहीं पे घूम फिर के आते हैं ना, एक वाला गेड़ा मार के आते हैं पैदल, गाड़ी कहीं साइड लगा के, ठीक है चलो फिर चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक करके आते हैं टाइप ऑफ, अगर समोसा खाया उसको हजम करके आते हैं। सो ये देखो अभी मैं मेन रिंग रोड पे आया हूँ और यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई विजिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है भाई, सामने कुछ दिख तक नहीं रहा है। ये पोल्यूशन है भाई बहुत गंदा यार, और दिल्ली का पोल्यूशन तो आपको पता है। तो गाना बंद करना भूल गया भाई साहब, बट गाना बहुत प्यारा है, जो भी बज रहा था गेस करके बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा बज रहा था। और भाई देखो कितना गंदा पोल्यूशन है ना गोलू, भाई सांस लेते हुए पता लगता है स्मेल आती है भाई साहब, सड़ती है भाई साहब, दम घुटता है, मरते है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, भी तो पार्क जा रहे हैं, पार्क जाके थोड़ा सा मतलब नेचर से जुड़ते हैं, कोई खास मजा नहीं आने वाला है क्योंकि वहां पे भी पोल्यूशन होगा ही होगा ऑब्वियस सी बात है, बट फिर भी चलते हैं ना गोलू, चलो चलते हैं। सो देखो अभी हम पार्क में आ चुके हैं, बस ऐसे टाइम पास करने आए हम, कोई ऐसा वही वॉक वॉक करने नहीं आए, ठीक है बस कंटेंट खींचने आया ना गोलू। हाँ भाई ठीक है, और अभी एक आधा चक्कर मारेंगे फिर सुबह वापस गाड़ी में जाके सो जाएंगे, क्योंकि देखो मैं अगर अभी घर गया तो मुझे मार पड़ सकती है। चलो पहले एक राउंड तो कंप्लीट हो पहले, है ना गोलू, चलो चलिए। वीडियो भी तेरी मार के वजह से फेमस हो जाएगी, हो सकता है कि ये वीडियो भी मार के वजह से फेमस हो जाए, मुझे मजा आया था ना उस वीडियो में। अगर आप ये वाली वीडियो को भी उतना लाइक वगैरह दे दोगे ना तो भगवान की कसम घर घर आके पार्टी दूंगा सबको, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, मजा आ जाएगा अगर वैसे लाइक आ गए तो। देखो भाई अभी एक आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक मिनट रुक जाओ मैं लाइट ना थोड़ा सा बात करने दो, एक रिक्वेस्ट है जस्सी भाई ने वो बोली है कि जितने भी ये स्ट्रे एनिमल्स है ना, मतलब जो आवारा कुत्ते हैं बिल्लियां हैं जानवर हैं पालतू जंगली जो भी, इन सब के लिए छोटा छोटा सा काम करना है आपने, जो स्वेटर वगैरह होते हैं या चद्दर ब्लैंकेट वगैरह बर्तन वालों को दे देते हैं वैसे, हाँ फालतू में से दे देते हैं, वो इनके लिए रख लिए जाए। और एक वीडियो मैं बनाऊँगा डेडिकेटेड इसी चीज़ के लिए, ठीक है मैं कलेक्शन करूँगा और इनको बांटूंगा, क्या बोला इनको समस्या नहीं कि बांटा जा रहा, बट फिर भी इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम जैसे घर से निकले ने तो सामने दो कुत्ते थे और मैंने ये पूछा कहाँ पर रहते, ठंड नहीं लग रही, कहाँ पर रहते भाई, लिटरली कहाँ पर रहते। और अभी अगर आप मुझे वो वीडियो मेल करते हो ईमेल डिस्क्रिप्शन में, सो आपको भी हाईलाइट हो सकता है चैनल में ना भाई, बिल्कुल ना भाई, जो सब काम करेगा बिल्कुल अप्रिसिएशन मिलेगा तुम्हारे भाई की तरफ से, मजा आ जाएगा अगर ऐसा कोई काम कर देना, अभी तक करता नहीं कोई वैसे मुझे पता है, बट दिल में होता है कि करे, है ना भाई, करेंगे मिलके करेंगे, ठीक है और वीडियो भी बनाएंगे और आप लोगों को भी हाईलाइट करेंगे भाई इसके अंदर स्पेशली पूरा सेपरेट वीडियो। सो अभी एक जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट करी नहीं थी वो हो गई है, घर वालों का फ़ोन आ चुका है, पापा के फ़ोन से फ़ोन आ रहा है, पता नहीं भाई क्या होने वाला है, फट रही है भाई, उठाऊँ उठाऊँ उठाना पड़ेगा बाद में, नहीं उठाएगा और पड़ेगा ये भी है, अगर नहीं उठाएगा हो सकता है, चल उठा लेता हूँ यार, चल कोई नहीं उठा लेता हूँ। हेलो हाँ मम्मी, नहीं नहीं यहीं पे हूँ यहीं पे हूँ, एक मिनट लाउड स्पीकर करता हूँ, कहीं नहीं यहीं यूँ ही गए थे बस टाइम पास करने, ये बता पहले। नहीं नहीं बिना पूछे उठाई है, मेरे को पता है, पर क्या हो गया मम्मी, कभी कभी उठा सकता हूँ, 18 साल का हो गया हूँ मैं, लाइसेंस है तेरे पास? अरे यूँ ही मम्मी समोसे खाने गए थे बस, आ रहे हैं घर पे, घर आ फिर बताती हूँ। मारने वाली का बात है इसमें? नहीं मारना वारना मत, मैं नहीं तो नहीं आऊँगा घर पे वापस, चुपचाप से घर आ जा, पापा उठने वाले हैं अभी। हाँ आ रहे हैं बस, आधे घंटे में आ रहे हैं, खुद तो बिगड़ रहा है साथ में जस्सी को भी बिगाड़ रहा है, आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, आ रहे हैं, जस्सी जस्सी नहीं है मेरे साथ, मजाक मत कर, चुपचाप से घर आ, जस्सी नहीं है मेरे साथ, नहीं तो अभी पापा को उठाऊंगी और उसे बता दूंगी, मेरे साथ गया ही नहीं जब वो, अच्छा ठीक है जल्दी कर गाड़ी घर पे।
साथ में ही है, साथ में ही आ रहे हैं। तो अभी भाई हालत खराब हो चुकी है, जल्दी जल्दी घर भाग रहे। क्या करा था अभी? अभी तो भाई डर लग रहा, थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा। ऐसा कुत्ता, ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है कि मारेंगे या कुछ, बड़े हो चुके हैं अब नहीं मारते। ऐसे थोड़ा बहुत अभी हाथ रोक लेते हैं, वो लिहाज कर लेते हैं उम्र का, उम्र उम्र का लिहाज कर लेते हैं। बट बिना पूछे लेके गया हूँ तो कुछ भी हो सकता है। पापा का वही वाला सीन है, जो मारो ढीकरा वाला सीन था ना वही वाला सीन है। गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं पापा। चलो चलते घर जा रहा हूँ, पहले तो गाड़ी उठाऊँ और निकलूँ घर पे। घर जाके देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो रिकॉर्ड करूँगा वरना एंड करूँगा, है ना भाई। ठंड लगती है इनको भी। तो देखो अभी पार्किंग में, पार्किंग लॉट में आके मैंने गाड़ी लगा दी। पार्किंग लॉट तो नहीं है, गली के पीछे ही है। पैसे भी घुमा रहे हैं गली के पीछे ही है, मैंने गाड़ी लगा दी है यहाँ पे आके। और अभी घर से मेरे यहाँ कितना दूर होगा अपना घर यहाँ से? 4-5 मीटर 5 मीटर 10-15 मीटर होगा यार कसम से। गूगल मैप पे डाल दे एक मिनट। हाँ और अभी मैं पार्किंग लॉट तो नहीं है ये, मतलब ऐसे ही घर के पीछे गली है और यहाँ से मेरा घर 10-15 मीटर दूर है। घर पे आ चुका हूँ और यही एंड करता हूँ मैं ब्लॉग का। अगर हुआ ना तो समझ लो ये आउटर नहीं लगेगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो ये आउटर लगेगा, है ना। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। आज का बताओ कैसा सीन था, मजा आया नहीं आया आपको देखने में? और अगर अच्छा लगा तो लाइक, नहीं लगा तो डिसलाइक मार सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस पता लगना चाहिए कि क्या कमी रह गई, ताकि उस डिसलाइक को नेक्स्ट टाइम वाले आपके लाइक में कन्वर्ट कर सको, है ना जैसी। सही बोला ना भाई, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में। स्टोरी स्टोरी बहुत पोस्ट करी है, मजा आ गया। बेस्ट टू वेस्ट टू लगा रखी गाड़ी में, तो उसका पूरा विलुप्त उठाया जाता है। विलुप्ति होता है ना, लाइट भी है आगे, विलुप्त आगे एक्सटेंट होता है विलुप्त का मतलब होता है पूरा, मतलब आनंद उठाया जाता है, मजे लूटे जाते हैं पूरे। बाकी इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फॉलो तो हो ही गया होगा, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो घंटी को ऑल पे जाके सिलेक्ट कर दो, ताकि जो है आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। मेरे से तो यूट्यूब की वैसे ही नहीं बनती, वो मेरे नोटिफिकेशन कभी भेजता ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। बस जस्सी साथ खेलता है, क्या कर रहा है इसके साथ, मजे का ले रहा भाई, मजे भाई दोस्त जैसे हैं। कुंवर ये तेरे को कहना चाहता है।